मोबाइल शॉप पर कस्टम अधिकारियों का छापा। मुंबई में बीती रात कस्टम के अधिकारियों ने विलेपार्ले स्थित एक मोबाइल शॉप पर छापा मारा। कस्टम के अधिकारियों को जानकारी मिली कि विलेपार्ले के एक मोबाइल शॉप में करोड़ों के मोबाइल एसेसरी स्मगल होकर पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद कस्टम के अधिकारियों ने ट्रैप लगाकर अल्फा 2 नाम के मोबाइल शॉप पर छापा मारा। छापे में कई बड़े मोबाइल ब्रांड के एसेसरीज और मोबाइल जब्त किए गए। कस्टम के अधिकारियों ने एक टेम्पो को भी जब्त किया है, जिसमें अवैध तरीके से स्मगल किए 1 करोड़ के मोबाइल एसेसरीज लाए गए थे। कस्टम के ACP दीपक पंडित के मुताबिक इस अल्फा 2 नाम की शॉप में लंबे समय से मोबाइल और उसके एसेसरी स्मगल करने का धंधा चल रहा था। इस शॉप से यह माल ग्रे मार्केट में बेचा जाता था। मोबाइल शॉप अल्फा एक बड़ी मोबाइल शॉप है, जिसके विलेपार्ले में कई ब्रांच है, अल्फा 1 से लेकर अल्फा 5 तक। फिलहाल कस्टम के अधिकारियों ने जब्त किए गए माल का पंचनामा करने के बाद दुकान को सील कर दिया है और कस्टम के अधिकारी आगे की जांच में जुटे हुए हैं। बता दें कि अल्फा 2 मोबाइल शॉप के मालिक का नाम तैयब खत्री है। कस्टम के ACP ने बताया कि मोबाइल शॉप के मालिक को तलब किया गया है और उनसे पूछताछ होगी। बेसिकली हम इस पे रिकॉर्ड कर रहे थे 1-2 महीने से। हमें पता था कि यहाँ पे स्मगल गुड्स हैं जो इन लोग इलीगली इंपोर्ट करते हैं और उसमें ग्रे मार्केट में इसको बेचते हैं और कुछ पोर्शन जो है इन लोग उसमें ड्यूटी पे डॉक्यूमेंट रखते हैं और बाकी जो है वो ग्रे मार्केट में बेचते हैं। और आज हमें टिप ऑफ मिला कि उनका एक जो टेम्पो में एक माल लोड हुआ है हो रहा है और माल गया था, तो हमने इस पर वॉच रख के उसको फॉलो करके सीज कर लिया इसको टेम्पो को। और यहाँ पे इनका जो शॉप अल्फा जो है 1, 2 और 3 शॉप है, उसके करके हम अभी इस पर सामान यहाँ पे भी सील कर दिया है और बाकी सामान भी हम ऑफिस ले जा रहे हैं टेम्पो को भी। कितनी रिकवरी हुई है यहाँ पर, कितने का माल आपने सील किया? ऐसा लगता है कि 1 करोड़ के करीब होगा, बिकॉज हमने अभी जो यहाँ जो सील किया उसका भी वैल्यूएशन करेंगे, सब मिला के देखते हैं क्या हमने विल सी। हमने ये भी देखते हैं कि फिर पुराना इनका जो क्या है कैसे क्या है, तो हम लोग थोड़ा डिटेल जाएंगे और उसको कोशिश करेंगे। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.